वेलकम टू पोकर 0 to 1 ब्रॉट यू बाय पॉकेट 52, जहां पहली बार हिंदी में हम आपको पोकर सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक बेटर प्लेयर बन सको, पोकर की स्ट्रेटजीज को समझ सको एंड होपफुली इस गेम को क्रैक कर सको। तो आज बात करते हैं ड्रॉस की। कई बार आपने मुझे स्ट्रीम पे बोलते हुए सुना होगा, आई एम ऑन अ फ्लश ड्रॉ, मेरा स्ट्रेट का ड्रॉ है, आई एम ऑन अ गट शॉट, और काफी लोगों को पता ही नहीं कि ये सब क्या है। तो पोकर में ड्रॉ क्या होता है? पोकर में ड्रॉ का मतलब होता है ये कि जो 3 फ्लॉप पे पत्ते खुल गए और आपके पास जो अभी हो रहा है उसके हिसाब से आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है नहीं एट द मोमेंट, बट जब टर्न और रिवर के ऊपर नए पत्ते खुलेंगे, चौथा और पांचवा कार्ड खुलेगा, तो आपका बहुत ज्यादा फैंसी हैंड बन सकता है, क्या पता बेस्ट हैंड ही बन जाए। एग्जाम्पल देके बताता हूं। इमेजिन करो आपके पास है एस एंड किंग ऑफ हार्ट्स, सही है, और अभी 3 पत्ते जो खुल गए वो है क्वीन ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स एंड तिग्गी फल्ली की। तो अब आपको क्या चाहिए? बस आपको एक लाल चाहिए। अगर एक और लाल आ गई चौथे और पांचवें कार्ड पे, जिसे टर्न और रिवर कहा जाता है, तो आपका बेस्ट फ्लश बन जाएगा, हाईएस्ट फ्लश बन जाएगा। तो इस टाइम पे फ्लॉप के ऊपर कहते हैं कि यू हैव अ फ्लश ड्रॉ, और अगर एक और हार्ट आ गया तो आपका ड्रॉ कंप्लीट हो गया। समझ में आया? दूसरा केस बताता हूं। इमेजिन करो आपके पास है 8-9, तो भी सूट चलेगा। 3 पत्ते जो खुल गए वो है 10 जैक और वापस तिग्गी। तो अब इस सिचुएशन में बेस्ट क्या है? अगर एक सत्ती आ गई तो आपका 7-8-9-10 जैक, या फिर एक क्वीन आ गया आगे तो 8-9-10 जैक क्वीन, तो आपका स्ट्रेट हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल फ्लॉप पे आपका बेस्ट हैंड है नहीं, बट अगर चौथे और पांचवे कार्ड पे एक सत्ती या रानी आ गई तो आपका स्ट्रेट कंप्लीट हो जाएगा, जो वो मोमेंट पे बेस्ट होगा। तो इस मोमेंट पे जब फ्लॉप पे कहा जाता है कि यू हैव अ स्ट्रेट ड्रॉ। अब स्ट्रेट ड्रॉज 2 प्रकार के होते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि अगर एक ही आपके पास ऑप्शन हुआ, कि अगर आपके पास 8-9 है और 10 जैक है, और अगर एक क्वीन से ही आपका, सपोज 8-9-10 जैक क्वीन से ही आपका स्ट्रेट बन रहा है, एक ही पत्ते से स्ट्रेट बन रहा है, तो उसको बोलते हैं गट शॉट। एग्जांपल बेटर देता हूं। समझो आपके पास 5-6 है और बोर्ड आ गया 8-9, तो आप एक सत्ती का इंतजार कर रहे हो, तो बोलते हैं आई हैव अ गट शॉट। बट जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको सत्ती भी चलेगी और रानी भी चलेगी, वो वाले स्ट्रेट के लिए इट्स कॉल्ड ओपन एंडेड, मतलब दोनों साइड से खुल रहा है, इसलिए बोलते हैं ओपन एंडेड स्ट्रेट ड्रॉ। समझ में आ गया सब कुछ? एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूं कि कभी कभी इस ड्रॉ के चक्कर में पब्लिक बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देती है पॉट में, फ्लॉप पे और टर्न पे, सोच के कि भाई मेरा स्ट्रेट लग जाएगा, मेरा फ्लश लग जाएगा। तो गलत नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे इस सिचुएशन को अप्रोच करना है, कहां आपको पॉट कंट्रोल करके वेट करना है कि मेरा फ्लश लग जाए, स्ट्रेट हो जाए। यूजुअली अगर आप इन पोजिशन हो तो आप धीरे से वेट कर सकते हो कि मेरे को लास्ट खेलना है, तो अगर वो चेक करा तो आप चेक करो, खाली फुफट क्यों पॉट को बढ़ाना। बट अगर आप आउट ऑफ पोजिशन हो तो आप अग्रेसिव होके खेल भी सकते हो, तो आपको ध्यान रख के खेलना है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं भी कर देना है। अगली बार जब स्ट्रीम पे आप मुझे बोलते हो या किसी और को भी बोलते हुए देखोगे, या फिर किसी के साथ अपना हैंड डिस्कस करोगे, तो ये सब टर्म्स बताना कि हाँ मेरे पास फ्लश ड्रॉ था, स्ट्रेट ड्रॉ था, इसलिए मैंने जैम कर दिया, तो बात चल जाएगी। सो वेल, दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ड्रॉज क्या होते हैं वो समझ में आ चुके हैं।